हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड स्प्राउट चिल्ला। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चिल्ला बनाने के लिए हमने लिया है स्प्राउट मूंग, स्प्राउट मोर, चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर ग्रेटेड, ग्रीन पीस, चॉप्ड टोमेटोस, मशरूम, ग्रीन चिली, जिंजर। पहले हम स्टफिंग रेडी करेंगे। हमने पैन में एक टेबल स्पून घी लिया है, मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। चॉप्ड अनियंस, ग्रीन चिली, अच्छे से मिक्स कर लें आप इन्हें। इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये हल्का सा पिंकिश ना हो जाए कलर में। प्याज हमारा हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि मसाले हमारे कच्चे ना रहें। अब हम इसमें ग्रेटेड कॉलीफ्लावर डालेंगे। आप इसे पहले धुलकर साफ कर लें, तब इसे ग्रेट करें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें ग्रीन पीस डालेंगे। मैंने इन्हें थोड़ा सा क्रश कर लिया है। अब हम इसमें चॉप कैप्सिकम ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चॉप कैरेट्स, मशरूम ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें आप इसे भी। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाए। इसे हम अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम बैटर रेडी कर लेते हैं। हमने स्प्राउट दाल डाल दिए ग्राइंडर में, ग्रीन चिली, जिंजर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जी हमारी हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला या चाट मसाला डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें आप। अब हम इसमें ग्रेटेड पनीर डालेंगे। इसको मिक्स कर लें आप अच्छी तरीके से। पनीर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ऐड जरूर करें। चॉप्ड कोरिएंडर। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमने पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है और उसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। एक्सेस हो तो आप नैपकिन की हेल्प से निकाल दें। अब हम इसमें बैटर पोर करेंगे। आप इसे बहुत अच्छे से स्मूथली स्प्रेड करें। अब हम इसे गैस में ट्रांसफर करेंगे और इसे कुक होने देंगे। अब हम इसमें साइड से घी अप्लाई कर देंगे सब तरीके से। इसे हम अच्छे से फ्लिप कर लेंगे। आप देख रहे हैं अच्छे से कुक हो चुका है, दूसरी साइड कुक हो रहा है। अब हम इसे टर्न करेंगे और जो हमने स्टफिंग रेडी करी है उसे इसमें चिल्ला में रखेंगे। हम इसे फोल्ड कर लेंगे। चिल्ला हमारा रेडी है। आप इसे ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ खाएं। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू।